हेलो क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स, टुडे अगेन वी हैव इंग्लिश क्लास। आज फिर से हमारी इंग्लिश की क्लास है। इन आवर लास्ट क्लास आई टॉट यू द चैप्टर नंबर 4, व्हाट इज इट। हमारी लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 व्हाट इज इट पढ़ा था, जिसमें हमने रिडल्स पढ़ी थी। रिडल्स मीन्स पहेलियाँ। ओके, नाउ टुडे वील कंटिन्यू दिस टॉपिक रिडल टाइम। What is a riddle? हम पढ़ेंगे कि riddle क्या होता है। A riddle is a type of question that describes something in a confusing way and has a funny or clever answer। यानी riddle जो है वह एक तरह का question होता है, जिसके अंदर question पूछा जाता है और उसके अंदर किसी चीज़ के बारे में बताया जाता है और उसको डिस्क्राइब किया जाता है और किसी को कंफ्यूज किया जाता है, और जब उसका आंसर मिलता है तो उसका आंसर बहुत ही फनी यानी मज़ेदार होता है और बहुत ही अच्छा आंसर उसका होता है। ये रीडल कहलाती है। चलिए अब हम कुछ रीडल्स सीखेंगे। द क्लूज हैज़ बीन गिवन इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट बिलो द क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ रिडल्स पूछी गई हैं, जिन रिडल्स की आंसर यहाँ पर पिक्चर्स के रूप में दिए गए हैं। आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है और उसका आंसर यहाँ से पहचानना है, और यहाँ क्वेश्चन के नीचे हम उसे लिखेंगे। नाउ द फर्स्ट रिडल इज व्हाट हैज़ 4 लेग्स एंड वी कैन सिट ऑन इट। ऐसी कौन सी चीज़ें जिसकी 4 लेग्स होते हैं और हम उसके ऊपर बैठ सकते हैं। नाउ लुक इन दिस पिक्चर, यहाँ ऐसी कौन सी चीज़ें जिस पे हम बैठ सकते हैं और उसके 4 लेग्स होते हैं। यस, चेयर। द आंसर इज चेयर। चेयर ऐसी चीज़ें जिसके 4 लेग्स होते हैं और हम उस पे बैठ सकते हैं। द नेक्स्ट रिडल इज व्हाट हैज अ फेस एंड 2 हैंड्स बट नो लेग्स। ऐसी कौन सी चीज़ें जिसके 1 फेस होता है और 2 हैंड्स होते हैं। नाउ सी इन दिस पिक्चर्स, दिस इज क्लॉक। इस क्लॉक का एक फेस होता है जिसपे हमें नंबर्स और टाइम दिखाई देता है और इसके 2 हैंड्स होते हैं। सो द आंसर इज क्लॉक। नेक्स्ट रिडल इज इट टर्न्स इनटू पाउडर एज वी राइट विद इट व्हाट इज इट। ऐसी चीज़ जब हम उससे लिखते हैं तो वह किस में चेंज हो जाती है, पाउडर उसका बन जाता है, चूरा बन जाता है। तो कौन सी चीज़ है वो? चॉक। ओके, नाउ लेट्स ट्राई 6। दिस इज फ्रॉम योर कोर्स बुक पेज नंबर 14। रिडल टाइम। इच क्लू गिवन बिलो विल हेल्प यू कंप्लीट द वर्ड। फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स टू कंप्लीट ईच वर्ड। यहाँ हेल्प बॉक्स के अंदर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं और उसके नीचे हमें कुछ रिडल्स दी हैं। इन वर्ड्स की हेल्प से और इन पिक्चर्स की हेल्प से आपको इन रिडल्स को कंप्लीट करना है। नाउ द फर्स्ट इज आई हैव 2 स्लीव्स एंड 1 कॉलर। मेरी 2 स्लीव्स यानी 2 आस्तीन और 1 कॉलर है। नाउ लुक दिस पिक्चर, व्हाट इज दिस? ये क्या है? दिस इज अ शर्ट। यू हैव टू फिल योर शर्ट। नेक्स्ट इज आई एम शॉर्टर देन ट्राउजर्स, यानी मैं ट्राउजर्स से छोटा होता हूँ। जनरली नी लेंथ, मतलब ये कहाँ तक होता है? नी तक की लेंथ यानी घुटने तक की लेंथ इसकी होती है। बट कैन ऑल्सो बी शॉर्टर देन दैट, और यह शॉर्टर यानी छोटा होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? दिस इज शॉर्ट्स, यानी ये जो है ये घुटने से छोटा, घुटने तक की लेंथ का होता है या घुटने से छोटा भी हो सकता है। इसका क्या नेम है? दिस इज
shorts. Next, I have two wings and a tail, but need fuel to fly. मेरे पास टू विंग्स यानी दो पंख होते हैं और एक टेल होती है, लेकिन मुझे फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? फ्यूल की, ईंधन की ज़रूरत पड़ती है. नाउ लुक दिस पिक्चर. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ एरोप्लेन. सो यू हैव टू फील योर एरोप्लेन. नेक्स्ट इज, आई एम अ ट्रेन दैट गोज अंडर ग्राउंड एंड ओवर द ग्राउंड. I run a shorter distance than a train. अब नेक्स्ट जो है वो बताया गया है कि मैं एक तरह की ट्रेन हूँ जो अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के अंदर एंड ओवर द ग्राउंड और ज़मीन के ऊपर चलती हूँ. एंड I run shorter distance than train. और मैं ट्रेन से कम दूरी तक चलती हूँ या कम दूरी तय करती हूँ. तो आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी सिटीज़ में मेट्रो ट्रेन चलती है. तो ये कौन सी ट्रेन है? दिस इज मेट्रो. ओके, द नेक्स्ट रीडल इज, आई एम वॉन इन पेयर्स बट देयर इज नो राइट और लेफ्ट इन द पेयर्स. यानी आई एम वॉर्न इन पेयर्स यानी मैं हमेशा जोड़े से पहना जाता हूँ, यानी इसमें दो होते हैं और दोनों को साथ में पहना जाता है, लेकिन ये नहीं होता है कि कौन सा राइट है या कौन सा लेफ्ट है. तो लुक दिस पिक्चर. दिस इज द पिक्चर ऑफ सॉक्स. आपने देखा होगा सॉक्स हमेशा दो साथ में पहने जाते हैं, लेकिन कौन सा राइट लेग का है कौन सा लेफ्ट लेग का है ये नहीं होता है. किसी भी पैर में इसको पहना जा सकता है. Next is, I gave you shed and rhyme with tap. मैं shed यानी छाया देती हूँ और मेरा जो rhyming word है वो क्या है? Tap है. Now see the picture. This is the picture of cap. So you have to fill your cap. Next is, I am a coat. मैं एक coat हूँ that protects you from the rain. जो आपको बारिश से सुरक्षा प्रदान करता है, बारिश से बचाता है. यानी एक इस तरह का कोट है जो बारिश में हमारी हेल्प करता है, हमें गीले होने से बचाता है. नाउ सी द पिक्चर. दिस इज द पिक्चर ऑफ रेन कोट. सो यू हैव टू फिल हियर रेन कोट. नाउ दिस इज योर प्रैक्टिस बुक वर्क फ्रॉम योर प्रैक्टिस बुक माय टर्न 3. And this is your HW जो आपको खुद से फील करना है. Look at the pictures, read the sentences, fill in the right word and circle the correct picture. यहाँ help box के अंदर आपको words दिए हैं, आपको sentence read करना है, pictures को देखना है, identify करना है और यहाँ पर वर्ड फील करना है और जो करेक्ट पिक्चर है उसे सर्कल भी करना है. लेट्स सी द फर्स्ट. आई हैव लॉन्ग हेयर. मेरे हेयर यानी बाल लंबे होते हैं. अब हम देखेंगे किसके हेयर्स लंबे होते हैं, दिस बॉय के या गर्ल के? गर्ल. सो यू हैव टू फील हियर. आई एम अ गर्ल और आपको इस गर्ल को सर्कल भी लगाना है. नाउ द नेक्स्ट इज, आई एम ग्रीन एंड ब्राउन. आई एम टॉल. मैं ग्रीन और ब्राउन कलर का हूँ और मैं टॉल यानी बड़ा भी हूँ. आई एम अ. अब देखिए ग्रीन और ग्रीन और ब्राउन कलर का कौन है? ये ट्री है या ये फ्लावर है? दिस इज द ट्री एंड दिस इज इन ग्रीन एंड ब्राउन कलर. ये ग्रीन और ब्राउन दोनों कलर में है और ये लंबा भी है. तो आप यहाँ क्या फील करेंगे? ट्री. And you also have to circle this tree. इस tree को आप circle भी करेंगे. Next, see, I have a long neck. I am yellow in color. मेरी लंबी गर्दन है और मैं yellow color का हूँ.
अब यहाँ पिक्चर देखिए, जिराफ भी येलो कलर में है और ये जो टाइगर है ये भी येलो कलर में है, पर जिराफ की गर्दन नेक लंबी होती है, टाइगर की नहीं। तो द आंसर इज आई एम अ जिराफ। आपको जिराफ फील करना है एंड यू हैव टू सर्कल दिस जिराफ। नेक्स्ट, आई एम स्मॉल, आई एम यंग, मैं स्मॉल हूँ और मैं यंग भी हूँ। आई एम अ, अब कौन होगा स्मॉल और यंग, बॉय या मैन? तो बॉय स्मॉल होगा, आपको यहाँ बॉय लिखना है और इस बॉय को सर्कल लगाना है। दिस इज योर नेक्स्ट एक्सरसाइज माय टर्न 4, ये भी आपकी प्रैक्टिस बुक से है और ये पेरेंट्स की हेल्प से आपको करना है। हैव फन विथ योर पेरेंट्स एज यू कंप्लीट द रिडल। अपने पेरेंट्स के साथ आपको ये रिडल कंप्लीट करना है। फर्स्ट, आई एम फरी, आई हैव विस्कर्स, आई पर वैन, आई एम हैप्पी। मैं फरी हूँ यानी इसकी पूरी बॉडी पर रोए रोए रहते हैं और इसकी मूछें होती हैं, और जब ये हैप्पी होती है तब ये पर यानी म्याऊ म्याऊ करके बोलती हैं। आई एम अ, आपको गैस करना है और फील करना है। नेक्स्ट इज आई एम राउंड ऑरेंज इन कलर, आई कैन बी स्वीट एंड सॉर। आई एम राउंड ऑरेंज इन कलर, मैं गोल हूँ, मेरा कलर ऑरेंज है और मैं मीठा भी हो सकता हूँ और खट्टा भी हो सकता हूँ। आई एम एन, अब ऐसा कौन सा फ्रूट है जो ऑरेंज होता है कलर में, गोल होता है और उसका टेस्ट स्वीट और सॉर यानी मीठा और खट्टा होता है। नेक्स्ट, आई एम मैड ऑफ वुड, मैं लकड़ी से बनी हुई हूँ। आई हैव फोर लेग्स, मेरे फोर लेग्स होते हैं। यू कैन पुट अ बुक ऑन मी, और आप मेरे ऊपर बुक को रख सकते हैं। अब आप पहचानेंगे ऐसी कौन सी चीज़ें जो लकड़ी से बनी होती हैं, जिसके फोर लेग्स होते हैं और जिसके ऊपर हम बुक रख सकते हैं। नेक्स्ट इज आई एम राउंड, मैं गोल हूँ। आई एम मेड ऑफ प्लास्टिक और रबर, मैं प्लास्टिक और रबर दोनों से बनती हूँ। आई बाउंस यानी मैं उछलती हूँ। चिल्ड्रन लव मी, और बच्चे मुझे बहुत पसंद करते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें जो गोल हैं, प्लास्टिक और रबर से बनी होती हैं, आपको बहुत पसंद भी है और वह उछलती भी हैं यानी ऊपर नीचे होती हैं। आई एम अ। नेक्स्ट इज आई एम राउंड, आई एम हॉट, आई एम अप इन द स्काई। आई एम राउंड, मैं गोल हूँ, बहुत गर्म हूँ और मैं ऊपर स्काई में रहता हूँ, आसमान में रहता हूँ। नाउ यू हैव टू गेस व्हाट इज इट, ये क्या है, आपको गैस करना है। आई एम द, और आपको यहाँ फील करना है। ओके,